देख रहे हैं सत्यम समाचार, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी की। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष विनय चौहान को कोतवाली पुलिस ने उठा लिया, जिसके बाद कोतवाली में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान लगते ही जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व बीजेपी के एक कार्यकर्ता की अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी किए जाने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कोतवाली में धरना दिया। वहीं बीती देर शाम हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष विनय चौहान को कोतवाली पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किए जाने के बाद कोतवाली में देर रात तक हंगामा जारी रहा। आक्रोशित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में धरना दे दिया। बड़ी संख्या में वाहिनी के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए। जिला अध्यक्ष भी आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए। जिला अध्यक्ष का आरोप है कि इंस्पेक्टर शिव कुमार शर्मा द्वारा उन्हें पीपी होटल से अनावश्यक रूप से गाड़ी में डालकर कोतवाली लाया गया। उनके साथ मारपीट की गई और कोतवाल के साथ चलने वाले हमराहों द्वारा उनके एनकाउंटर की उन्हें धमकी दी गई। इस बात से पूरे जिले की हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। कोतवाली परिसर में ही जमकर नारेबाजी हुई। खबर पाते ही प्रभारी क्षेत्राधिकारी नगर प्रियांक जैन, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह कोतवाली पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष विनय चौहान को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक सहमति नहीं बन पाई। जिला अध्यक्ष की मांग थी कि तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाए और चारों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तभी वे धरने से उठेंगे। बीजेपी के कदावर नेता राहुल राठौर के समझाने पर और अपर पुलिस अधीक्षक के समक्ष मामले में मजिस्ट्रेट जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया। हमको तकरीबन आप 20 से तकरीबन डेढ़ घंटे पहले क्रॉसिंग के पास आशा ढाबा है, वहाँ पे कोतवाल महोदय पहुँचते हैं दो गाड़ियों के साथ में और वहाँ एकदम छापा मारते हैं। छापा चूँकि मैं वहाँ उसी गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, तो हमारे भाई है जो क्या नाम उसका संचालन करते हैं, इनको वहाँ से पीछे से खींचते हुए ला रहे थे मारते हुए। तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई क्या बात हो गई। इतना कहते ही उन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा और गाड़ी में एकदम अंदर बंद कर लिया। अरे भाई साहब बात तो बताओ, बात हुई क्या? तो बोले तुम लोग यहाँ गुंडे पालते हो, अवैध धंधे करते हो, यहाँ पे दारू पिलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसा हुआ क्या, बात तो बताओ हमें, गाय बताओ तो कम से कम। बोले यहाँ गुंडे पाल रखे, क्या सबूत है आपका गुंडे पाल रखे हैं? फिर एकदम बोलते हैं तभी भाई साहब आप मेरा परिचय जानते हैं? बोला नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बताइए। विनय चौहान जिलाध्यक्ष हिंदू वाहिनी, तो ये अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं जिलाध्यक्ष जी तेरी गांड में घुस दूंगा, ये स्पष्ट शब्द बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक बोलता है करेल चौराहे पे लाके इनका इनकाउंटर कर दो। मैंने कहा तुरंत आप इनकाउंटर करिए मेरा अभी हाल आप, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर आपके फोन आने शुरू हो जाते हैं। मैंने अपर साहब को तुरंत संज्ञान दे दिया कि मुझे इन्होंने अरेस्ट किया है, किस लिए किया इनको पता नहीं, इनसे पूछो आप। उसके बाद ये भाव चौराहे पे रोक देते हैं कि इनके यहाँ चौकी पे इनको जमा करो। नहीं, हम चौकी किसी में नहीं जाएंगे, हमें आप कोतवाली ले चलो, कोतवाली बंद करो, चलते आप अनायास वहाँ धक्का मुक्की की मेरे साथ में, वहाँ चौकी में निकाल के बंद करने के लिए। मैंने कहा नहीं, आप मुझे अगर वहाँ से अरेस्ट करके लाइए, मुझे कोतवाली ले चलिए, वहाँ से मुझे लाने को तैयार नहीं हूँ जैसे तैसे। मैंने कहा मुझे, मैं नहीं जाऊँगा आप यहाँ से, मुझे आप ले चलिए कोतवाली में। उसके बाद कोतवाली लाए, मैं यहाँ पे आके बैठ गया। मैं क्यों छोड़ा, क्या कारण थे, मेरा कौन सा दोष है, मेरे पास कौन सा मुकदमा है, किस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, इस बात का कोतवाली महोदय इस बात का हमें जवाब दे, और उनके साथ में जो चार लोग थे वो भी जवाब दे जो रास्ते पर इनकाउंटर की धमकी लेते चले आए कि आपका हम इनकाउंटर कर देंगे। किस बात पे इनकाउंटर कर देंगे, हम लोग किस चीज के मुलजिम हैं, इस चीज का हमें कोतवाल महोदय जवाब दे।